वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ श्री सिद्ध विद्यापीठ स्कूल। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम कक्षा छठी का हिंदी का तीसरा पाठ पढ़े थे, नादान दोस्त। तो आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला, कहानी से पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? तो बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता था। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनके माता पिता, उनको पता ही नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। तो बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। तो ये जो मन की बात है, उनकी जो मन में इतने सारे सवाल थे, उनको दिल को ये कैसे अपने आप ही तसल्ली दे दिया करते थे, वो क्यों ऐसा करते थे। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारे जिज्ञासा होते हैं, अवश्य आपके मन में भी होंगे। लेकिन उनके जो घर वाले थे, उनको अंडों के बारे में उनको कोई जानकारी उनको नहीं दी गई थी और उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं था, क्योंकि सब अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते थे। तो इसीलिए उनको पता ही नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे कैसे होते हैं, किस रंग के होते हैं, और वहाँ से बच्चे कैसे पैदा होते हैं, या फिर वो खाते कैसे हैं, और उनका घोंसला भी कैसे होता है। लेकिन ये सारी जो प्रश्न थे उनके मन में, ये एक स्वाभाविक भाव थी, मतलब स्वाभाविक थी, ऐसा प्रश्न होता है बच्चों के मन में। लेकिन बच्चों, आपको ऐसे प्रश्न अगर जब भी आपके मन में आए तो आपको अपने घर वालों को बता देना चाहिए और उनके आदेश अनुसार ही सारे काम करने चाहिए, ओके। तो दूसरा प्रश्न क्या है, केशव ने श्यामा से चित्रे टोकरी और दाना भर पानी मांग कर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आएंगे, उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसीलिए टोकरी मंगाई। चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई और दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याले में खाने के लिए दाना और पानी रखा गया। तो उन्होंने केशव ने श्यामा से ये सारी चीज़ें क्यों मंगवाई थी, चिथड़े, टोकरी और दाना पानी, क्योंकि उनको अंडों को पहले धूप से बचाना था और इसके लिए उनको टोकरी चाहिए थी, इसीलिए उसने टोकरी मंगाई और उसके बाद चिथड़ों से उन्होंने वो जो अंडों के लिए गद्दी बनाई थी, ठीक है, बच्चों के लिए, और दाना पानी उनके भूख मिटाने का प्रबंध किया गया था। तो इसीलिए वो सारे केशव ये सारी चीज़ें उनसे श्यामा से मंगवाए। तीसरा प्रश्न क्या है कि केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो केशव और श्यामा ने चिड़िया के की अंडों की रक्षा की या फिर नादानी की? केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी ही चाहिए थी, पर ये उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती है। बच्चों ने अंडों की रक्षा का प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडे को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में तो वो उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में हत्या हो गई। तो वो बच्चों की तो नादानी थी, क्योंकि उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि अंडों को ऐसे छूने से वो गंदे हो जाते हैं और इसके बाद चिड़िया उन्हें नहीं देखती संभालती हैं, और उनको ये भी नहीं पता था कि ये जो अंडे चिड़िया देती है वो खुद ही अपने अंडों को ख्याल रख सकती हैं, ये उनका काम नहीं था। लेकिन वो क्या करना चाहते थे, असल में तो वो उन अंडों की रक्षा ही करना चाहते थे, लेकिन उनकी नादानी के वजह से उस रक्षा में उनकी हत्या हो गई। अभी कहानी से आगे, पहला प्रश्न क्या है, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाया? यदि उस जगह में तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? तो केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आएंगे। चिड़िया इतना कहाँ से लाएगी, गरीब बच्चे इस तरह चूचू करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो आप अनुमान लगाइए कि कैसे होते, कि अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडे तक नहीं पहुंच जाएगा, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता और हम अंडों के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे ज़मीन पर बिखर देते।
तो हम क्या करते, अगर हम होते, सोचिए आप होते तो आप क्या करते, आप यही सोचिए कि आप क्या करते, आप वो लिख सकते हैं या फिर मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, उनको अंडे को नहीं छूते या फिर ये देखते कि कोई जीव जंतु उन अंडों तक तो नहीं पहुँच गया या फिर कोई कार्निस पर कोई जानवर तो नहीं पहुँच गया, बिल्ली भी हो सकता है या फिर चूहा भी हो सकता है, और वो जो उनको जो खाना चाहिए होता है हम वहाँ पे नीचे ज़मीन पे बिखेर देते, लेकिन अंडों के साथ हम छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करते। तो दूसरा प्रश्न क्या है, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए, माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने के कारण को नहीं क्यों नहीं बताया, तो क्योंकि वो उसकी वही समय ऐसा था कि जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चे को देख सकते थे, माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ लगाने नहीं देती, मां के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण माँ को नहीं बताया था। प्रश्न तीन क्या है कि प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे, तो आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे आप ज़रूर उसको सोचिए, अगर आपने कोई अलग शीर्षक है आपके मन में तो आप वो लिखिए। यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि आप हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक क्या दे सकते हैं, रक्षा में हत्या या फिर बच्चों की नादानी दे सकते हैं। तो चलिए अभी भाषा की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है, ऊपर दिए गए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है, जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक संज्ञा सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में दोनों तीनों प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनाम के नीचे रेखा खींचो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपको यहाँ पे रेखा खींच के बताना है कि कौन सा सर्वनामिक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक लंबा लकड़ाता हुआ उनकी ओर चल रहा है, पास आने आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मर जा रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे दो। तो यहाँ पे आपको रेखा खींचना है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा प्रश्न क्या है, तगड़े बच्चे मसलेदार सब्जी बड़ा अंडा, यहाँ रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे सब्जी और अंडे की विशेषता गुण बताती है, मतलब यहाँ पे क्या बात, किसकी बात की जा रही है, विशेषण और विशेष्य के। तो यहाँ पे आपको इनमें से कुछ व्यक्ति और वस्तु को अच्छे या बुरे हर तरह से के गुण आते हैं, तो आप चार गुणवाचक विशेषण लिखो और उनके वाक्य में प्रयोग करो। तो आपको यहाँ पे चार गुणवाचक विशेषण लिखने हैं और उसको वाक्य में प्रयोग करना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर आपके मन में कुछ और है आप वो करेंगे, और ज़रूर ये सारे प्रश्न आप खुद से भी एक बार सोच के करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं है कि आंसर दिया है आपको बस लिख लेना है, आप अपनी सोच भी लगाएंगे यहाँ पे, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या अनुमान है, आप क्या कल्पना करते हैं, आपकी कल्पना शक्ति कितनी है, आप भी सोचिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि ईमानदार, यानी आयुष एक ईमानदार लड़का है, नीला आसमान का रंग नीला है, मोटी रीना मोटी है, मीठा सब से मीठा है। तो ये सारे गुणवाचक विशेषण है जो किसी चीज़ के गुण के बारे में बताता है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या है कि ऊपर लिखे जितने भी वाक्य हैं उनको उनमें जो भी उनको ध्यान से आपको देखना है, और ये जो शब्द हैं इनके जो रीतिवाचक और क्रिया विशेषण का ये क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने बोलने और उठने की क्रिया किसे कैसे क्रिया हुई, तो ये क्रिया कैसी क्रिया है। तो आपको ये पांच क्रिया विशेषणों को वाक्यों में प्रयोग करना है, जैसे कि झुंझलाकर मोहन की बात सुनकर नेहा झुंझलाकर चली गई, तब थोड़ा गुस्से में होकर चली गई, बनकर माँ का खाना बनकर माँ खाना बनाकर चली गई, घबराकर दुर्घटना की खबर सुनकर वो घबराकर उठा,
टिकाकर अर्जुन ने नजरें टिकाकर निशाना साधा, गिड़गिड़ाकर राजीव ने गिड़गिड़ाकर श्याम से माफी मांगी। तो ये सारे थे क्रिया विशेषण, ठीक है, जहाँ पे कोई क्रिया मतलब कोई काम होता है और उसको विशेषण का रूप दिया जाता है। चौथा प्रश्न जो है आपका बच्चों, उसमें आपको कुछ यहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है। तो यहाँ पे आपको मैंने उत्तर दे दिया है कि कहाँ कहाँ आपको पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ कहाँ आपको कौन कौन सा सिंबल लगाना है। तो आप इसको देख के अपने कॉपी में अब या फिर अपने बुक में लिख लेंगे और जितने भी सारे प्रश्न उत्तर किए गए हैं आपको उसको बहुत अच्छी तरीके से फिर भी पढ़ना है। अगर आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है आप मुझसे पूछ लेंगे और आप खुद से भी करने की इसको कोशिश करेंगे, खुद की अनुमान खुद का कल्पना भी लगाएंगे यहाँ पे, खुद से भी करने की कोशिश करेंगे और ये सारे जो लिखाए गए हैं प्रश्न उत्तर वो अपने कॉपी में लिख लेंगे। और ये जो पाठ है ये बहुत ही मज़ेदार पाठ है, यहाँ से हमको बहुत ही सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों का बात हमेशा मानना भी चाहिए और जो भी बात हमारे मन में आए हमें अपने बड़ों को कह देना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए ताकि हम अपने बचपना में ये नादानी ना कर बैठे। तो इसी के साथ ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है, हम आपसे दोबारा मिलेंगे दूसरे क्लास में एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।